हाय गाइस एंड कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस iPhone 13 का इस साल जो है डिसकंटिन्यू होने वाला है। काफी सारे लोगों के मुझे जो है इस चीज के रिगार्डिंग जो है क्वेरीज आ रही है कि iPhone 13 क्या डिसकंटिन्यू हो जाएगा iPhone 14 के रिलीज होने के बाद। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोग बताऊंगा कि iPhone डिसकंटिन्यू होगा या फिर डिसकंटिन्यू नहीं होगा। सो गाइस बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सब लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हो, सो गाइस मेरा नाम है सूरज एंड उसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन दबाइए जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस बिना कोई देरी भाई लेट्स गेट वीडियो। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस साल iPhone 13 जो है डिसकंटिन्यू होगा या फिर डिसकंटिन्यू नहीं होगा। सो मैं आप सबको बता दूं कि इस साल iPhone 13 जो है डिसकंटिन्यू नहीं होने वाला। Oh my God! Wow! क्योंकि अगर Apple जो है इस साल iPhone 13 को डिसकंटिन्यू कर देगा तो इसमें Apple वालों का बहुत बड़ा जो है लॉस होने वाला है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि iPhone 13 जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईफोन है 2021 एंड 2022 का। एंड अगर Apple जो है iPhone 13 को इस साल डिसकंटिन्यू करता है तो इसमें Apple वालों का बहुत बड़ा जो है लॉस रहने वाला है। क्योंकि जैसे कि आप लोग पता है कि iPhone 13 जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर वेरियंट है एंड इस साल काफ़ी सारे लोग जो iPhone 13 को भी परचेज करने वाले हैं। एंड Apple का जो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है ये आता है स्पेशली नॉन प्रो मॉडल से, क्योंकि नॉन प्रो मॉडल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर रहते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता कि प्रो वेरिएंट्स को ही परचेज करते हैं, बहुत सारे लोग जो है नॉन प्रो वेरिएंट्स को परचेज करते हैं एंड नॉन प्रो वेरिएंट से एप्पल का जो है काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है। सो एप्पल अगर आईफोन 13 को यहाँ पर जो है डिसकंटिन्यू कर देगा तो इसमें एप्पल वालों का काफ़ी ज़्यादा लॉस रहने वाला है। एंड एप्पल जो है हमेशा अपने रेवेन्यू को यहाँ पर जो है जनरेट करने का सोचता है, ना कि इसको लॉस करने का। तो ये स्टेप एप्पल जो है बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। एंड उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा रूमर्स ये आ रहे हैं कि आईफोन 14 एंड आईफोन 13 जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होने वाले हैं, तो इसके करके Apple जो iPhone 13 को डिसकंटिन्यू कर सकता है। तो ये जो चीज़ है ना ये एक कंप्लीटली रूमर है, ये चीज़ जो है नहीं होने वाली। क्योंकि iPhone 14 एंड iPhone 13 का चाहे डिज़ाइन यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हमें आइडेंटिकल देखने को मिल जाता है, बट इंटरनल्स iPhone 14 की जो है यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट देखने को मिलने वाली iPhone 13 से। जैसे कि iPhone 14 के जो कैमराज होने वाले ये हमें जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिलने वाला iPhone 13 के कैमरा से, स्पेशली इसका फ्रंट एंड जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा जो होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा हमें इंप्रूव देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ Apple जो अपने iPhone 14 के कैमरा के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन करेगा। जैसे कि लास्ट ईयर एप्पल ने अपने iPhone 13 के अंदर सिनेमैटिक मोड जो इंट्रोड्यूस किया था, तो एप्पल जो इस साल iPhone 14 के अंदर भी जो हमें कुछ नए फीचर जो है कैमरास के अंदर प्रोवाइड करेगा। सेकंड जो चीज होने वाली है वो होने वाला है इसका प्रोसेसर। अब सुनने में आप लोगों को ये आ रहा है कि iPhone 14 के अंदर हमें जो A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, वेयर iPhone 13 के अंदर भी जो हमें A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है। बट iPhone 14 के अंदर जो हमें चिप देखने को मिलेगी वो हमें जो है प्रो वेरिएंट्स वाली देखने को मिलेगी iPhone 14 के अंदर। एंड ये जो चिप होने वाली है ये हमें काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगी रेगुलर A15 से। क्योंकि जब AnTuTu के स्कोर्स आए थे यहाँ पर नॉन प्रो वेरिएंट्स के एंड प्रो वेरिएंट्स के iPhone 13 सीरीज के, तो इनके बीच में हमें जो है काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला था परफॉर्मेंस के बीच में। तो आप लोगों को जो है iPhone 14 के अंदर जो A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी जो आप लोगों को प्रो वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलती है। एंड उसी के साथ iPhone 14 के अंदर जो आप लोगों को 6GB का रैम देखने को मिलेगा, वेयर iPhone 13 के अंदर जो आप लोगों को 4GB का रैम देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है काफी बड़ा एक जंप देखने को मिलेगा। थर्ड रीजन जो होने वाला है वो इसका होने वाला है बैटरी। सो गाइस iPhone 14 की जो बैटरी लाइफ होगी हमें काफी ज्यादा जो इंप्रूव देखने मिलेगी iPhone 13 की बैटरी लाइफ से। iPhone 13 की बैटरी लाइफ हमें जो है काफी अच्छी देखने को मिलती है, बट इस साल के iPhone 14 की जो बैटरी लाइफ होगी हमें और भी ज्यादा जो है बेटर देखने को मिलेगी। सो गाइस iPhone 14 जो है iPhone 13 से काफी सारी चीजों में यहाँ पर जो है डिफरेंट है। सो जो लोगों को iPhone 14 को परचेज करना होगा वो लोग iPhone 14 को परचेज करेंगे क्योंकि उसके फीचर्स के करके, एंड जिन लोगों को iPhone 13 परचेज करना होगा वो लोग iPhone 13 को परचेज करेंगे। सो Apple जो है ये चीज बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि इस साल जो है iPhone 13 को डिसकंटिन्यू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो दोनों फोन के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड iPhone 14 को वो लोग परचेज करेंगे जिन लोगों को जो है इंप्रूव वर्जन चाहिए iPhone 13 का। सो गाइस वही लोग जो है iPhone 14 को परचेज करेंगे, जैसे कि लास्ट ईयर भी iPhone 12 का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि iPhone 13 हमें जो इंप्रूव वर्जन देखने को मिल जाता है, बहुत सारे लोगों ने iPhone 13 को भी परचेज किया। तो यही जो सेम चीज़ है इस साल भी होने वाली है। एंड iPhone 13 जो आप लोगों को बिग बिलियन डे सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग के अंदर देखने को मिलेगा, अराउंड 50 to 52,000 के बीच में। सो बहुत सारे लोग जो iPhone 13 को भी इस साल जो है परचेज करने वाले हैं। सो iPhone 13 जो है इस साल जो है डिसकंटिन्यू नहीं होने वाला iPhone 14 के रिलीज होने के बाद। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो क्या करना है, इस वीडियो के नीचे लाइक करना एंड उसी के साथ अगर आप सब लोग हमारे चैनल के बने हो सो गाइस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन दबाइए जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस मिलता हूं मैं आप सब लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो गाइस तब तक के लिए जय हिंद।